राजस्थान में उपचुनावों के बीच सियासी बयानबाजी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर विकास कार्यों के आरोप लगाए हैं, जिस पर मंत्री जोगाराम पटेल और झावर सिंह खरा ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतकलह से गिरी हुई है और विकास कार्यों की दुश्मन बन चुकी है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे कोरोना काल में जनता को उनके हाल पर छोड़कर होटलों में बंद रहे। उन्होंने कहा, कांग्रेस का विकास कार्य से कोई संबंध नहीं है। मंत्री पटेल ने बताया कि पिछले 10 महीनों में भजनलाल सरकार ने 10,000 करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए विदेशी दौरे भी कर रही है। तीसरा, उन्होंने ये कथन किया है कि 10 महीनों में राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, याद कीजिए, पूरे 5 साल के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कितना रोजगार दिया और वर्तमान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कमिटमेंट में कितना रोजगार दिया, जिसका जिक्र अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने किया। 30,000 का एक बार, 8,000 का एक बार रोजगार मेले के तहत रोजगार की नियुक्तियां दी। निम्बेजा का कैलेंडर अगले 2 साल की भर्ती के दौरान का आपके समक्ष जारी किया और हमारे दृढ़ संकल्प है कि 4-5 साल के अंदर 4 लाख और इस वर्ष हमारे प्रारंभ वर्ष में 1 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों का जोगाराम पटेल ने कड़े शब्दों में खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी ट्रांसफर निष्पक्षता से हुए हैं और हमारे पास भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। झावर सिंह खरा ने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए 2 साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया है और 30,000 नियुक्तियां पत्र भी जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 से 2023 तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मंत्री जोगाराम ने कहा कि भजनलाल सरकार का लक्ष्य 4 साल में 5 लाख नौकरियों का सृजन करना है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि 2037 तक बिजली में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। पहली बार राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 साल का नियुक्तियों का कैलेंडर जारी किया है। अब तक 30,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और बाकी रिक्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार देने में सफलता प्राप्त करेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार की विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के साथ तकरार एक नए पोड़ पर पहुंच चुकी है। मंत्री जोगाराम पटेल और झावर सिंह खरा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विकास के रास्ते में रुकावट डाल रही है। अब देखना होगा कि आगामी उपचुनावों में इस सियासी माहौल का क्या असर होता है। जब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।